अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ द 10th क्लास. दिस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट दिस ब्लॉग इज स्पेशली क्रिएटेड टू हेल्प यू एंड टू फैसिलिटेट यू विद द मैथ्स लर्निंग एंड सॉल्विंग द सम्स. कुछ कंसेप्ट्स भी होते हैं मैथ में, सारा कुछ सॉल्व कर दें ऐसे नहीं होता. मैथ इज़ अ लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन कंसेप्ट्स, जिसमें लॉजिक भी इंक्लूड होता है. उसको समझना, उसकी एक नरेशन होती है, उसको एक्सप्लेन करना भी बड़ा ज़रूरी होता है. मैथ में अगर आप स्टेप बाय स्टेप तो सॉल्यूशन सभी कर लेते हैं, लेकिन जो एक्यूरेट कंसेप्ट है अगर वो आपके मैथ में जहन में बैठ जाता है देन दैट इज़ वेल एंड गुड. उसका फ़ायदा ज़्यादा है लॉन्ग रन में. आपका मैथ्स तब अच्छा होता है अगर आपको बेसिस ऑफ द मैथमेटिक्स जो है वो अच्छे तरीके से आपके माइंड में सेटल्ड हो, आपको लॉजिक्स का ऑपरेटर्स का फ़र्क आता हो, बेसिक रूल्स आते हों, फंबल्स या बड़े ब्लंडर या मिस्टेक्स करने से अब्सटेन करते हों, आपको समझ हो कि यह नहीं हो सकता, दिस इज़ पॉसिबल एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल, व्हाट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारी चीज़ें अगर आपकी बड़े अच्छे तरीके से होंगी तो मैथ्स आपके लिए ईजी हो जाएगा. इसलिए मैथ्स की नरेशन को समझने में हेजिटेट ना किया करें और ये ना समझा करें कि ये एक आउट ऑफ द स्कोप चीज़ है. ठीक है, अभी हम यूनिट नंबर 1 कर रहे हैं मैथ बुक का, और यूनिट नंबर 1 में 1.1 के हमने सारे क्वेश्चंस कल किए थे. आई एम गोइंग टू स्लो डाउन माय पेस फॉर द पर्पस. ये पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, इसमें आपने सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी थी. जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपने सॉल्व भी करना है. इसके अंदर फैक्टराइजेशन आपने करनी है, यू कैन सी फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन फैक्टराइजेशन आपने डायरेक्ट नहीं करनी, आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है. डू यू रिमेंबर व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म और डू आई नीड टू रिकॉल, ये होती है जी स्टैंडर्ड फॉर्म. ये देखें, कल आपने पढ़ी थी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और अभी आपने ये वाली फॉर्म बना के फैक्टराइज करके सॉल्यूशंस करने हैं. आज मैंने डिसाइड किया कि एक क्वेश्चन जो है, जो भी क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने सॉल्व करती हूँ एक क्वेश्चन, और दो क्वेश्चन के सॉल्यूशंस जो हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, ताकि सारे स्टेप्स जो हैं वो आपके माइंड में क्लियर हो. अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट पार्ट जो है अमाउंट आई हैव कन्वर्टेड दैट ऑन द पेपर. अब आपने इसको सॉल्व करना है. ये देख लें, पेयर फैक्टराइजेशन से इसने फटाफट फैक्टराइज हो जाना है. उन्होंने कहा हुआ है फैक्टराइजेशन से आपने सॉल्व करना है, तो इसका मतलब हमने पहले इसके फैक्टर्स बनाने. 20 का कौन सा फैक्टर पेयर है जो आपको 1 दे सकता है? तो वो 4 और 5 हैं. देयर इज अ क्विक सेंस. देखें, 20 एंड 1 ये फैक्टर पेयर है जो आपको कभी भी 1 नहीं दे सकता, चाहे ऐड करें चाहे सब्ट्रैक्ट करें, वट एवर यू डू विद इट. लेकिन एक फैक्टर 4 और 5 है विच कैन गिव यू 1, और बड़ी अमाउंट के साथ माइनस का साइन आना चाहिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली माइनस का साइन जो है वो रिक्वायर्ड है. -20 = 0 पेयर फैक्टराइजेशन है, आप पहले कर चुके हैं ग्रेड में, लास्ट ग्रेड में आप कर चुके हैं. ओके, नाउ पेयर देम अप. एक्स माइनस 5 एंड दिस विल रिजल्ट इन 4x - 5. ठीक है, नाउ दिस विल रिजल्ट implies that and this one result that x - 5 and x + 4 is equal to 0. ठीक है, आपको पता है इसका क्या मीनिंग होता है? ये हमने बड़ी डिटेल में ये बात डिस्कस की हुई है कि दिस मीन्स, ये फॉर्म का मतलब होता है कि आइदर दिस फैक्टर इज़ 0 और दिस फैक्टर इज़ 0. एक वक्त में दोनों जो हैं वो 0 नहीं हो सकते. तो आप कह सकते हैं x - 5 इज़ इक्वल टू 0 और x + 4 इज़ इक्वल टू 0. यहाँ पर x की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ जाएगी. ठीक है, सही है. ओके, वी आर डन विद दिस वन. आप चेक भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये चेक रिक्वायर्ड नहीं कर रहे. सॉल्यूशन के ये क्वेश्चन है, दे आर नॉट, द चेक इज़ नॉट रिक्वायर्ड. इसलिए आप डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं. द सॉल्यूशन सेट इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ x एज 5 एंड 4. चाहे तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दें, चाहे इस तरह लिख दें. वेरी सिंपल क्वेश्चन दैट वॉज. इसका सेकेंड पार्ट देख लें, दिस वन. ये है इसका सेकेंड पार्ट. आई एम गोइंग टू कन्वर्ट द अमाउंट ऑन द पेपर ओके स्टैंडर्ड इसको करना है तो ये देखिए, फ्रैक्शंस तो है नहीं,
स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है इसकी पहले, तो फ्रैक्शंस तो है नहीं, इसका मतलब है हम डायरेक्टली एक्सपेंड कर लेंगे, ये साइड एक्सपेंड होने वाली, दिस इज आस्किंग फॉर द एक्सपेंशन। नाउ इस साइड पे ले आए सारा कुछ, उठा के साइन रिवर्स हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, सो दिस विल रिजल्ट इन 2y² प्लस 5y विच इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप देखें हाँ ज़रा, y कॉमन निकल रहा है ना, फैक्टराइज करना है तो y को कॉमन ले लेंगे, दिस विल रिजल्ट इन दिस वन। अब हमारे पास ये चॉइस आ गई है, आइदर y इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दिस वन इम्प्लॉयज दिस थिंग। ठीक है, ये तो फर्दर सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट ही कर रही हूँ क्योंकि अब मेरा ख्याल है कि आपको कंसेप्ट बन गया होगा, दिस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास y की ही वैल्यू आ जाएगी। वट विल बी द सोल्यूशन सेट सजेस्ट, इट विल इंक्लूड दिस वैल्यू ऑफ y एंड द अदर वैल्यू इज दिस वन। आई हैव डन द सेकेंड पार्ट, सॉरी, कम टू द थर्ड पार्ट नाउ। इसी तरह आप ग्रेजुअली सारे पार्ट कर सकते हैं, लेकिन आज की रिकमेंडेशन है ये 4 पार्ट कर लें, रिमेनिंग 2 पार्ट्स और इसके साथ जो रेलिवेंट एग्जांपल्स हैं वो हम कल कर लेंगे। 4 - 32x इज इक्वल टू 17x² में एक सिंपली द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम दूसरी साइड पिन को लेके जाएंगे क्योंकि मैं चाहती हूँ x² वाली टर्म जो है वो पॉजिटिव रहे। वट विल इट रिजल्ट, माइनस प्लस 32x and that is plus minus, sorry change किया side, is equal to 0। अब देखिए 17 × 4 is 8, 68 का कौन सा factor pair है जो आपको 32 देगा, very simple, बड़ी amount के साथ plus आना चाहिए, factor pair है 34 and 2। a quick guess I have got, 2 से मैंने guess कर लिया कि ये होगा 17x, इन दोनों में कॉमन ले लें, दिस विल रिजल्ट इन दिस एंड दिस इज गोइंग टू रिजल्ट इन दिस, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ अंदर प्लस का साइन है। यहाँ से आगे आप कर लेंगे ईजली, फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए ही सही, काम ज़रा आसान हो जाए, आई एम गोइंग टू डू। इसका जो लास्ट पार्ट है ये वाला, ये फिर आपने खुद करना है, ठीक है, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, बड़ा सिंपल है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म बना के आपने मुझे इसको सॉल्व करके देना है, आई विल असेस कि आपको कितनी समझ आई हुई है। 2/17 एंड दिस इज गिविंग वैल्यू एज दिस वन, सो सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू 2 and 2/17। आई हैव इमीजिएटली डन द 3 पार्ट्स और जो 4th पार्ट है वो आपने खुद करना है। ठीक है, पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए, फिर पेयर फैक्टराइजेशन से ही आपने इसको फैक्टराइज करना है।